किस करना कब का हो चुका था, पर हन अभी भी शौक में था। गेम फिर से स्टार्ट किया जाता है और इस बार बारी आती है हन की, और हन ट्रूथ लेता है। शिया हन से पूछती है उससे रिलेटेड एक पर्सन के बारे में, सभी बात करते हैं तो वो पर्सन कौन है। ये सवाल सुनने के बाद वानजेन और मोशिन तो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि वो जानते थे ये सबसे इरिटेटिंग सवाल है हन के लिए। हन भी उसे सवाल चेंज करने के लिए कहता है, पर शिया नहीं जानती थी ये सवाल करके वो हन को कितना चोट पहुंचा रही थी, इसलिए वो एक ही सवाल थोड़ा घुमा के करती है। तब हन को आ जाता है गुस्सा और वो बिना कुछ कहे वहाँ से उठ जाता है। ये सवाल हन के लिए कितना दर्दनाक था वो सब जानते थे, इसलिए लिंग भी उसके पीछे पीछे उसे संभालने जाता है। हन सबसे कहता था कि वो इस बात को भूल चुका है, पर अगर सच में वो भूल गया होता तो आज इस बात पे वो रिएक्ट नहीं करता। मोशिन भी शायद ऐसे ही एक मौके का इंतजार कर रही थी, और उसे मौका मिल भी जाता है। शिया वैसे ही हन के नजरों में दोषी बन चुकी थी। मोशिन शिया को हन की नजरों में और भी ज्यादा गिराना चाहती थी, इसीलिए पहले वो शिया की मरी हुई मॉम के बारे में बात करके शिया को चोट पहुंचाती है, ताकि उसे ये समझा पाए कि उसने हन से ये सवाल करके कितनी बड़ी गलती की। फिर शिया को जब सच में अपनी गलती की एहसास होती है, तब वो हन से माफी मांगना चाहती है। तब मोशिन शिया से कहती है अगर वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये गाना गाएगी तो फिर हन का मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसे ये गाना बहुत पसंद है, जो कि एकदम उल्टा था। हन इस गाने को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वहाँ पे लिंग हन को काफी हद तक समझा चुका था, हन का मूड भी शांत हो गया था, पर ऐसे में उसे वो वाला गाना सुनाई देने पे वो गुस्से के साथ उस तरफ जाने लगता है। एक तो शिया हन जिस गाने को हेट करता था वो वाला गाना गा रही होती है, और ऊपर से इतनी बेसुरी गा रही होती है कि बाकी सब हंसने लगते हैं। हन बाहर आके जब शिया को ये गाना गाते हुए देखता है, तब वो वहाँ पे रुक जाता है, पर शिया उसे देख के उछलते हुए उसके पास आती है। उसे लगा था मोशन के मुताबिक उस गाने से हन का मूड अब तक ठीक हो चुका होगा, पर वो देखती है हन का मूड पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुका था। हन को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने शिया को जिस तरह से पकड़ा था, उससे शिया को जो दर्द हो रही थी ये भी वो देख नहीं पा रहा था। हन के पूछने पे शिया बता देती है कि मोशिन ने उससे कहा था वो गाना गाने के लिए, पर मोशिन इस बात को एकदम से डिनाई कर देती है। मेंग आके कहती है कि वो खुद इस बात की विटनेस थी, पर फिर भी इससे ज्यादा कुछ काम नहीं बनता। मोशिन तब भी डिनाई करते जा रही थी। शिया गुस्से से उसकी तरफ जाने लगती है, तो हन उसका हाथ पकड़ के ऐसे खींच के पीछे करता है कि शिया सीधे पूल में जाके गिरती है। लिंग जल्दी से पानी में उतर के शिया को ऊपर ले आता है। मैनेजर जल्दी से उसे टॉवल पहना देते हैं। हन की मॉम आके बहुत गुस्सा करने लगती है। वो सच में अपने बेटे से ज्यादा शिया से प्यार करती थी। वो अपने बेटे को डांटते हुए शिया को अंदर ले जाने लगती है। हन तब गुस्से के साथ ये अनाउंस करता है कि पार्टी खत्म हो चुकी है, तो सब अपने अपने घर चले जाए। ये दोनों छुड़ैल बहुत खुश होने लगती है। सबके चले जाने के बाद हन पियानो बजाने लगता है। फिर हमें हन के एक्स गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, मतलब पास्ट की बातें दिखाई जाती है। शुरू में ये दोनों एक साथ बहुत खुश रहा करते थे। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल के लिए भी नहीं रह पाते थे, साथ में जीना मरना चाहते थे। पर यही प्यार हन के एक्स गर्लफ्रेंड के लिए एक दिन कैद खाना बन चुकी थी। उसे खुद से कुछ करना था, अपनी अलग पहचान बनानी थी। उसे पूरी जिंदगी हन के शैडो बन के नहीं रहना था। हन से शादी करके उसे पूरी जिंदगी चार दीवारों में अटके नहीं रहना था। वो विदेश जाके पढ़ना चाहती थी, हन भी उसके साथ जाना चाहता था, पर वो कहती है वो बस इसीलिए इतनी दूर जाके पढ़ना चाहती है क्योंकि वो उससे दूर रहना चाहती है। वो हन से कहती है उसने उसके लिए बहुत कुछ किया, बस वो एक आखिरी विश उसका पूरा कर दे, वो उसे ना रोके, उसे जाने दे। हन उसके लिए इंतजार करना चाहता था, पर वो उसे इंतजार करने से भी मना करती है। वो कहती है उसके लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी वापस नहीं लौटेगी। हन उससे सच में बहुत प्यार करता था, इसलिए उसके जाने के बाद वो एक हार्टलेस इंसान बन चुका था। हन की मॉम आके उसे फिर से डांट लगाती है। वो उसको शिया से माफी मांगने जाने के लिए कहती है। अगले दिन सुबह जब दोनों आमने सामने आते हैं, तब दोनों एक दूसरे का रास्ता टोकने लगते हैं। मतलब जानबूझ के नहीं, वो कभी कभी होता है ना, मैं आगे जाऊं या वो आगे जाए, ऐसा करते करते दोनों ही आगे पीछे कर रहे थे।
फिर हन के मॉम के बुलाने पे दोनों एक साथ जाने लगते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। शिया गिरने जा रही थी तो हन उसे पकड़ लेता है। वैसे तो दोनों ही थोड़ी देर के लिए थम से जाते हैं, पर हन के मॉम के आ जाने पे दोनों ही एम्बेरेस होके इधर उधर जाने लगते हैं। खाने के टेबल पे भी दोनों का साइलेंट मूड चल रहा था। सबसे ज्यादा तो शिया ऑकवर्ड फील कर रही थी। ये देख के हन की मॉम शिया से छुप छुप के पूछती है वो दोनों कौन से गेम खेल रहे हैं, उन्हें भी खेलना है। फिर हन का खाना हो जाता है तो उसके बाद ही शिया भी उठ जाती है। स्कूल के लिए निकलते वक्त शिया हन को नहीं देखती। मैनेजर से पूछने पे उसे पता चलता है हन ने स्कूल से छुट्टी लिया है एक दिन के लिए। हन अपनी खिड़की से शिया को जाते हुए देख रहा था। सबके गिफ्ट्स चेक करते वक्त उसे शिया का बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स खोल के जब ये शर्ट देखता है तो बहुत खुशी खुशी इसको पहनने लगता है। फिर आईने में दिखते वक्त उसे पीठ पे कुछ लिखा हुआ मिलता है। एक्चुअल में वो क्या लिखा था वो तो मुझे नहीं पता, पर वो शर्ट मरे हुए लोगों के लिए था। हन जल्दी से उस शर्ट को खोलने लगता है। उसे शिया पे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो शिया का नाम जोर से चिल्लाते हुए लेता है और वहाँ शिया को छींक आने लगती है। कॉन्स्टेंटली छींक होते देख शिया को लग रहा था कि उसके दोस्त उसे याद कर रहे हैं। स्कूल में ये बात फैल जाती है कि पिछली रात हन और शिया के बीच लड़ाई हुई थी। शिया ने हन के दिल को चोट पहुँचाया था। अब हन भी उस पे बहुत गुस्सा है।